choose the sequence step that describe best synthesis of वन ब्यूटीन फ्रॉम इथेनॉल. आज इथेनॉल से आपको जाना है वन ब्यूटीन की तरफ. आइए C- डायरेक्ट तो नहीं होगी, OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो OH को गुड लिविंग ग्रुप में आप कन्वर्ट कर सकते हो HBr हीट की मदद से. यहाँ क्या हो जाएगा, H2O बनेगा, Br- अटैक करेगा, H2O निकल जाएगा, CH3 क्या बनेगा आपका, CH3CH2Br. नेक्स्ट क्या है आपका, ऐसा कुछ ऑप्शन है, इन दोनों में है. चलिए इनमें आगे बढ़ते हैं. Na, C- Na+. C- क्या करेगा, डायरेक्ट गुड लिविंग ग्रुप रखा हुआ है यहां पर, इस कार्बन पे अटैक करके Br- को निकाल देगा. तो आपकी जो चेन होगी वो बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ C ने अटैक किया है, 1, 2, 3, 4 और ट्रिपल बॉन्ड CH. क्या बोला है, वन ब्यूटीन बोल रहा है. तो इसके बाद कुछ और भी दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिख गया आपको. H2 Lindlar's कैटलिस्ट क्या करेगा, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा और वो एल्कीन टर्मिनल होगी. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाकी इन सब के साथ कोई फायदा नहीं है चेक करने का. तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी.